और बढ़ते आगे बात अब करेंगे विजयपुर की, जहां राशन माफिया प्रशासन की आंखों के सामने से पीडीएस की कालाबाजारी और अवैध परिवहन कर लेते हैं और जिला मुख्यालय पर बैठे अधिकारी कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं लगती और ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस का माल पकड़ा जाता है। इससे ये पता चलता है कि संबंधित विभाग दफ्तर में बैठकर सिर्फ फाइलों के पन्ने ही पलटते रहता है। श्योपुर जिले में 400 कट्टे गेहूं और 3 आरोपियों को पुलिस ने ओछापुरा में पकड़ा है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ट्रक क्रमांक MP06SC1549 पीडीएस के गेहूं लेकर कहीं बेचने के उद्देश्य से जा रहा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु मैं मौके पर पहुंची तो ट्रक को चेक किया पीछे से तिरपाल हटवा के, तो सामान्य गेहूं के बोरों के थोड़ा सा आगे पीडीएस के 348 बोरियां करीबन मिले, जिसे हमने जब्त कर विधिवत कार्रवाई की एवं अपराध कायम किया है एवं 3/7 इसी एक्ट में कार्रवाई की गई। तो खुलेआम कालाबाजारी हो रही है, राशन माफिया गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हेम कुमार तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेम कुमार, इस तरह के अवैध कालाबाजारी करने वाले माफियाओं के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई हुई है, पुलिस इसको लेकर किस तरह से सक्रिय है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा श्योपुर जिले की बिजापुर विधानसभा के ओछापुरा थाना प्रभारी रीना राजावत ने एक पीडीएस से भरा ट्रक है वो पकड़ा है, उसके साथ में ही 3 आरोपी हैं वो भी गिरफ्तार कर लिए हैं। ट्रक में 400 कट्टे गेहूं के भरे थे और जिनकी कीमत 4,83,000 रुपए है, वो जब्त कर लिया फिलहाल। और जो कालाबाजारी की बात करें तो लगातार श्योपुर जिले में पहली कार्रवाई नहीं है, ये दूसरी कार्रवाई है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है जानकारी ली गई कि ये जो पीडीएस से भरा जो राशन है वो कहाँ जा रहा था, कहाँ से आ रहा है, इसको लेकर कोई जानकारी ट्रक में जो लोग हैं ड्राइवर क्लीनर उनसे पूछताछ की गई है? पूछताछ की गई तो बताया गया कि रघुनाथपुर से मुरैना बाजार के बेचने के लिए जो ट्रक ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में रघुनाथपुर से रास्ते में बीच में थाना प्रभारी ओछापुरा रीना दयावत को मुखबिर के द्वारा जानकारी मिलती है, तो गश्त के दौरान चेकिंग करती है ट्रक की। ट्रक में भी त्रिपाल से ढककर कट्टे थे, उनको ले जाया जा रहा था। जब इसकी बिल्कुल अंदर से छानबीन की गई तो पता चला कि पीडीएस से भरा हुआ है। लेकिन मुख्य आरोपी तक पुलिस पहुंची? जी अभी तक मुख्य आरोपी जो है जो जो जिसने खरीदा पीडीएस के गेहूं वो फिलहाल गिरफ्त में है, और जिसने देखा है पता है कि किस सोसाइटी वाले ने इनको क्यों नहीं पकड़ में आया है। जी बहुत शुक्रिया हेम कुमार तमाम जानकारी के लिए। तो पीडीएस सिस्टम में मनमानी सामने आई है, जहां गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है, राशन नहीं मिल रहा है और पीडीएस गेहूं की जो है कालाबाजारी यहां पर की जा रही है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामनिवास जी, इस पूरे ही मामले में आखिर कैसे और किस तरह की कार्रवाई इसमें की जाएगी, क्योंकि जो पीडीएस का गेहूं है अवैध तरीके से बाजारों में खपाने के लिए जा रहा है? ये गरीबों के गेहूं को भी ये लूटने का काम कर रहे हैं। रेत माफिया पूरे प्रदेश में हावी है, शराब माफिया पूरे प्रदेश में हावी है, लेकिन दुर्भाग्य कम से कम इन्होंने गरीबों को भी नहीं छोड़ा। गरीबों का कल ही 2-3 दिन पहले ही एक ट्रक गेहूं में काफी बोरे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं पकड़े गए हैं। पूरे प्रदेश की लगभग यही स्थिति है, ठीक है, 2-2, 3-3 महीने में एक एक बार गेहूं बांटते हैं और ये पूरी तरह से सरकार के संरक्षण में हो रहा है, मंत्री और प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन रामनिवास जी, सीएम तो लगातार इस तरह से कहते हुए आ रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा जो भी कालाबाजारी कर रहा है, लगातार सीएम कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपराधियों में भी तो खौफ होना बहुत जरूरी है, आखिर ये संरक्षण जो मिल रहा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर कथनी करनी एक होती तो अभी तक बहुत सारी चीजें सुधर गई होती। कल ही मुरैना में दारू की दुकान में, फड़ाकों की दुकान में ब्लास्ट हुआ, बिना लाइसेंस की दुकान चल रही थी,
पटेलावद में हुआ था पहले, तो ये लोग सबक नहीं सीखना चाहते। आज रेत माफिया अभी और काला बाजारी निरंतर पकड़ी जा रही है, ये सबकी जानकारी में है, लेकिन कहते जरूर है जी, करते नहीं है, एक्शन में नहीं आते जी। रामनिवास जी, इस वक्त हमारे साथ थाना प्रभारी रीना रावत जी भी जुड़ गई हैं। रीना रजावत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैं सुन पा रही हूँ जी। रीना जी, गेहूं की जो है वो काला बाजारी की जा रही है, आए दिन इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं, आखिर जिम्मेदार क्या कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई आपने की अभी तक? मैंने दिनांक 19/10/22 को मुझे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि पीडीएस के गेहूं एक ट्रक में भर के जा रहे हैं, जिसको मैंने सूचना की तस्दीक हेतु जाके चेक किया तो ट्रक क्रमांक MP06ST1549 में गेहूं भरा हुआ मिला, जिस पर मैंने अपराध कायम कर विवेचना में लिया है इसको जी। रीना जी, लेकिन मुख्य आरोपी की अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो पाई? अभी मुख्य आरोपी जो व्यापारी है वो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। इसको लेकर क्या आपकी टीम काम कर रही है, क्योंकि मुख्य आरोपी तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक बाजार होगा जहां पर इसे खपाने की तैयारी होगी, लेकिन अन्य जगहों पर भी इसी तरह से व्यापारी जो है काला बाजारी कर रहा होगा? इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए रीना जी, और रामनिवास जी आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।